हाँ जी हजूर, क्या हाल है? कैसे हैं सब दोस्त भाई? कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। मैं अभी इस्लामिक सेंटर में था तो वहाँ बड़ा अच्छा रेस्टोरेंट था, खाना वगैरह खाया और सारा कुछ। तो उसके बाद मैंने जो है वो वहाँ एक सीनियर सा वो था जो शेफ था उनका, तो उसको मैंने पानी की अपनी बोतल दी खाली। मैंने कहा इसको ज़रा भर दें काइंडली, प्लीज़ फिल द टैप वाटर एंड सो आई विल ड्रिंक। तो वो मुझसे कहता है कि आप जो है मुझसे इस तरह बात क्यों कर रहे हैं? अरबिक का आदमी था तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो आपसे नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तो हर कल्चर डिफरेंट होता है, तो वो मुझे भी समझ रहे थे कि शायद मैं भी किसी अरब उससे हूँ। तो ही वॉज सेइंग कि हमारे यहाँ और तरह बात करते हैं बुज़ुर्गों से। मैंने कहा जी हमारे यहाँ भी। मैंने कहा मुझे क्या पता, आपका तो मतलब डिफरेंस है थोड़ा सा। तो कल्चरल डिफरेंसेस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। तो एनीवे, नाइस पीपल, इस्लामिक सेंटर इज़ अ गुड प्लेस टू विजिट एंड टू प्रे। मस्जिद है वहाँ पे बड़ी, मेनली मस्जिद है, उसके अपने रेस्टोरेंट हैं और एक शॉपिंग प्लेस है जहाँ पे आप शॉप कर सकते हो और वो ख़रीद सकते हो अपना हलाल फूड में ख़रीद के भी लाए, ब्रेड वगैरह, मीट एंड एवरीथिंग। ये है जी सिचुएशन। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट एक्सप्लोरिंग, और जिसको इसीलिए अपने चैनल का नाम वॉन्डरिंग दरवेश रखा है। तो क्या क्या नई नई चीज़ें, क्या क्या नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं यहाँ पे। अनाउंसमेंट इंग्लिश में होता है, साथ में आयरिश में भी होती है। चलें जी, हैव अ गुड टाइम, आपको अपडेटेड रखूँगा।